सिंथेसिस की इस क्लास में आज हम लोग सीखने जा रहे हैं दो या दो से अधिक वाक्यों को कंपाउंड सेंटेंस में कैसे जोड़ा जाता है। सिंपल सेंटेंस मैंने पढ़ा दिया है, कैसे सिंपल सेंटेंस में दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ा जाए वो मैंने पढ़ा दिया है। चैनल पर वीडियोस हैं, क्योंकि रिवीजन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, जाइए देखिए जरूर। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आई बटन पर लिंक मिल जाएगी, आप जरूर उन वीडियोस को देख लीजिए। और आज हम सीखेंगे कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाएंगे दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ करके। लेकिन क्या आपको पता कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? नहीं पता, डोंट वरी, सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप पेशेंस, यू विल लर्न कंप्लीट इंग्लिश इन अ वंडरफुल वे, वेयर यू विल लर्न ऑल्सो व्हाट इज कंपाउंड सेंटेंस। बट डियर, टूडे वी आर गोइंग टू लर्न इन द सिंगल वीडियो द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग टू आर मोर देन टू सेंटेंसेस इनटू कंपाउंड सेंटेंस, विच इज रियली अ केक वॉक। डू यू नो व्हाट इज केक वॉक? केक वॉक एक इडियम है, आपके एग्जाम में इडियम्स एंड फ्रेजेस से भी क्वेश्चन आता है। क्या आपको नहीं पता? पता तो होगा लेकिन याद नहीं होती है ना, तो काहे टेंशन ले रहे हो? मैं क्यों हूं, इडियम्स एंड फ्रेजेस की ऐसी यूनिक टेक्निक लेके आया हूं। पर डे 5 इडियम्स एंड फ्रेजेस को कवर करता हूं। चैनल पर प्लेलिस्ट है, आप देखो तो बहुत सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस मैंने कवर कर दिया है। आप देखो, आपको याद हो जाएगी सिर्फ 5 मिनट में, 5 idioms याद होंगी, और हमेशा के लिए, नेवर फॉरगेटिंग टेक्निक का प्रयोग करके। उन वीडियोस को भी देख लीजिएगा। देखो, कंपाउंड सेंटेंस बनाना यानी कंजक्शन आना है। कंजक्शन भी नहीं आता तो टेंशन काहे ले रहे हो? आज हम सीखेंगे पूरा कंजक्शन नहीं, कंपाउंड सेंटेंस को बनाने के लिए कौन कौन से कंजक्शन लगाने हैं, कैसे यूज करना है, वही तो सीखेंगे। उसी से तो बनेगा हमारा कंपाउंड सेंटेंस। देखो, कंजक्शन होते कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सबऑर्डिनेटिंग को साइड में रखेंगे क्योंकि उससे हमारा कोई लेना देना आज नहीं है। आज हमें जो लेना देना है किसी से तो वो है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन डियर 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, कम्युलेटिव कंजक्शन, एडवर्सेटिव कंजक्शन, एलेटिव कंजक्शन एंड अल्टरनेटिव कंजक्शन। ओनली यूजिंग दीज 4 टाइप्स ऑफ कंजक्शंस वी विल कंबाइन टू आर मोर देन टू सेंटेंसेस इनटू कंपाउंड सेंटेंस। सो लेट्स सी हाउ टू यूज दीज कंजक्शंस। देखो, कंपाउंड सेंटेंस के पूरे रूल यहां पर सज सवर कर बिल्कुल तैयार है, एग्जाम्पल के साथ में। देखो डियर, कंपाउंड सेंटेंस को बनाने के लिए हमें आवश्यकता किसकी होती है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस की। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। कितने? 4। देखो, कम्युलेटिव कंजक्शन में मैंने सिर्फ एक कंजक्शन लिखा है एंड, होते और भी कई सारे हैं, एज वेल एज, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ डॉट डॉट एंड। बट हम क्विक रिविजन देख रहे हैं तो हमें जितने से काम चल जाए बस उतना जानना है। एंड एक ऐसा कंजक्शन है जो कि हर ऐसे सेंटेंस को जोड़ लेगा जिसमें समान गुण या समान काम हो रहेंगे, अभी इसको समझेंगे। एडवर्सेटिव कंजक्शन में कई सारे हैं, मैंने लिखा सिर्फ 3 है, बट येट स्टिल, एक से ही काम चल जाएगा, बट से ही लिख दिया, येट स्टिल, आप तीनों में से किसी का प्रयोग कर सकते हो। एलेटिव कंजक्शन, सो देयर फॉर और फार, सो से काम चल जाएगा, देयर फॉर और फार का प्रयोग भी आप कर सकते हो। अल्टरनेटिव कंजक्शन, आइदर आर होता है, आर होता है, नाइदर नॉर होता है, और अदरवाइज होते हैं। इन्हीं सब का प्रयोग करके हम कंपाउंड सेंटेंस को जोड़ सकते हैं। बट मतलब दिमाग यहां पर कंफ्यूज जाता है कि कब हमें पता चलेगा कि हम कम्युलेटिव का प्रयोग करें कि एडवर्सेटिव का, कि एलेटिव का, कि अल्टरनेटिव का। डोंट वरी, क्यों देख रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो, इसी के लिए, यही तो समाधान करना है ना। देखो, अगर 2-3 जितने भी वाक्य हैं उनको देखकर यह लगे कि एक वाक्य में जो गुण बताया गया है दूसरे में भी उसी के जैसे गुण बताए जा रहे हैं,
यानी दोनों वाक्यों में समान गुण का बोध हो रहा है या दोनों वाक्यों में समान तरह के काम हो रहे हैं, तब आपको यूज करना है कम्युलेटिव कंजंक्शन एंड का। जैसे समझो, ही इज पुअर, ही इज सैड, वो गरीब है, वो उदास है। अच्छा, अगर कोई गरीब होगा तो उदास ही ना होगा। समान गुण की बात हो रही है कि नहीं हो रही है? गरीब है तो उदास है, गरीबी उदासी साथ साथ चलती है, समानता है। यू आर हेल्दी, यू आर स्ट्रांग, आप स्वस्थ हैं, आप स्ट्रांग हैं। अगर इंसान स्वस्थ होगा तो स्ट्रांग होगा ही, समान गुण है। गुण ही नहीं, समान काम भी हो सकते हैं। तो ऐसे समान गुणों को जोड़ने के लिए, समान कामों को जोड़ने के लिए हमें यूज करना होता है कम्युलेटिव कंजंक्शन एंड का। समझ में आया? देखो, जोड़ना आसान है। ही इज पुअर एंड सैड, खत्म। यू आर हेल्दी, यू आर स्ट्रांग, आप जोड़ के बताओ क्या होगा? यू आर हेल्दी एंड स्ट्रांग, यू आर हेल्दी एंड स्ट्रांग, खत्म। समझ में आया ना कम्युलेटिव? एडवर्जेटिव कंजक्शन को समझो। एडवर्जेटिव विरोधाभासी कंजक्शन होता है, यानी ये क्या करेगा? विरोधी गुण को बताएगा। एक वाक्य में जो गुण या जो काम हो रहा है, दूसरा वाक्य में उसका उल्टा हो रहा होगा, विरोधी गुण होंगे उसके। जैसे समझो, ही इज पुअर, ही इज हैप्पी, वो गरीब है, वो खुश है। क्या लग रहा है? गरीब है, खुश है, विरोध है कि नहीं है? गरीब है तो खुश है, मतलब विरोधाभासी। आई एम इल, आई एम वर्किंग, मैं बीमार हूं, मैं काम कर रहा हूं। सो बीमार है इंसान तो रेस्ट लेना चाहिए, लेकिन काम कर रहा है, तो इसका और ये दोनों वाक्य दूसरे का विरोध कर रहे हैं। और जब एक वाक्य दूसरे वाक्य का विरोध करेगा तो फिर हमें विरोधी गुण बताने वाले कंजक्शन, एडवर्सिटी कंजक्शन का प्रयोग करना होगा। किसी का प्रयोग करके जोड़ सकते हो यार, बहुत आसान है। ही इज पुअर बट हैप्पी, आई एम इल, आई एम वर्किंग, क्या बोलोगे? आई एम इल येट या स्टिल, जो मर्जी आपका लगाना हो, या आप बट से ही बना दो, लो बट वर्किंग, या आप पूरा लिख सकते हो आई एम वर्किंग। कंपाउंड सेंटेंस है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई एम एल बट आई एम वर्किंग पूरा लिख दो, आई एम एल बट वर्किंग, तब भी बोथ आर राइट। आगे है इलेटिव कंजक्शन। हमें इलेटिव कंजक्शन का प्रयोग कब करते हैं डियर? देखो, परिणाम बताना हो, यानी एक वाक्य में कुछ ऐसा काम हुआ है जिसका दूसरे वाक्य में परिणाम मिल रहा है, ऐसी स्थिति में इलेटिव कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। जैसे देखो, स्मिथ टुक ब्राइब, ही वॉज डिसमिस्ड। स्मिथ ने घूस लिया, घूस लिया तो इसका परिणाम क्या निकला? ही वॉज डिसमिस्ड, उसको डिसमिस कर दिया गया। आई डिड नॉट स्टडी प्रॉपरली, आई वॉज फेल्ड, मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा, इसका परिणाम क्या निकला? मैं फेल्ड हो गया। I studied well, I passed, मैंने अच्छे से पढ़ा, इसका परिणाम क्या निकला? मैं पास कर गया। तो जब एक तरफ कोई काम हो और दूसरी तरफ उसका परिणाम दिखाया जाए, तब हमें यूज करना होता है elative conjunction का, so therefore या for का। देखो, सिंपल है, Smith took bribe, so he was dismissed. Very easy. है ना, केक वॉक। देखो, अल्टरनेटिव कंजक्शन कब करेंगे इसका प्रयोग? अल्टरनेटिव कंजक्शन का देखो डियर, विकल्प बताने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, यानी दो में से एक कोई चूज कर लो जब आता है, तो विकल्प ही होता है। और विकल्प दिखाने के लिए हमें अल्टरनेटिव कंजक्शन का प्रयोग करना होगा, आर अदरवाइज, आइदर आर या नाइदर नॉर। देखो, अगर दोनों सेंटेंस अफर्मेटिव के हैं तो आप आर का भी प्रयोग कर सकते हो, आइदर और आर, आइदर डॉट 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 आर का प्रयोग कर सकते हो। और अगर दोनों सेंटेंस निगेटिव हैं तब आप नाइदर डॉट 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 नार का प्रयोग करोगे। अगर एक अफर्मेटिव एक निगेटिव है तो मैक्सिमम चांस होता है वहां पर अदरवाइज फिट हो जाता है, ठीक।
जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो वहां पे इन सबको हम समझेंगे। अभी हम कुछ ही एग्जांपल्स इसको समझते हैं। कम इन गो आउट, अंदर आओ बाहर जाओ, यानी ऐसा कह रहा है या तो मतलब कहीं खड़े हैं हम तो कोई कह रहा है कम इन गो आउट, यानी या तो अंदर आ जाओ या तो बाहर चले जाओ, विकल्प दे रहा है या तो अंदर आ जाओ या तो बाहर चले जाओ। तो हम चाहे तो देखो दोनों अफर्मेटिव हैं, चाहे तो आइदर आर से जोड़े चाहे आर से जोड़ दें, क्या बोलेंगे कम इन आर गो आउट, कम इन आर गो आउट, या क्या बोल दें आइदर कम इन, आइदर कम इन आर गो आउट। बहुत आसान। डू नॉट टेल अ लाई, डू नॉट चीट पीपल, झूठ मत बोलो, लोगों को धोखा मत दो। देखो ये सही बात है, नेवर टेल अ लाई एंड नेवर चीट पीपल। देखो ऑप्शन दे रहा है, कह रहा है ना झूठ बोलो ना धोखा दो, दोनों काम करने से मना कर रहा है। अच्छा जो करने के लिए कहेगा वही मना भी तो करेगा, अफर्मेटिव है तो निगेटिव तो रहेगा साथ में ना, तो निगेटिव में भी वही चीज आएंगी। ठीक है, अब यहां पे दोनों सेंटेंस निगेटिव है, हम किसका प्रयोग करेंगे, नाइदर का प्रयोग कर सकते हैं। नाइदर टेल अ लाई, देखो अब डू नॉट नहीं लिखेंगे क्योंकि नाइदर लिख दिए ना, नाइदर डू नॉट को खा जाएगा, और फिर नॉर से जोड़ेंगे फिर डू नॉट को खा गया, नॉर चीट पीपल। तो कंपाउंड सेंटेंस में दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ना इतना आसान है, आप देख गए समझ गए, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो या दो से अधिक वाक्यों को पढ़ना मतलब जोड़ना पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर, एंड प्लीज इफ यू अंडरस्टूड हिट द लाइक बटन, कमेंट अस if any suggestion and share with your friend also, and please subscribe for next videos. Dear, quick revision की क्लास है, हम important rules को ही देख रहे हैं, तो ये मत सोचना कि कुछ छूट गया तो कुछ नहीं, हम important rules को देख रहे हैं जो exam में पूछते हैं, जहां से प्रश्न आते हैं सिर्फ उन्हीं को देख रहे हैं, so don't worry, ठीक है, आपके exam का पूरा पूरा cover हो जाएगा, deep में नहीं जा रहे हैं बहुत ज्यादा हम लोग, ये मैं बार बार कह रहा हूं, quick revision की क्लास चल रही है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट डे।